पटेंगे तो कटेंगे का एक्सटेंशन कहा जा सकता है। आपको यूपी के सीएम योगी का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। योगी के इस बयान पर खूब सियासत हुई, अभी भी हो रही है। पीएम मोदी ने भी कल गुजरात में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया है। अखिलेश यादव की ओर से लगातार इस बयान का काट ढूंढा जा रहा है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सबसे ताजा पोस्टर पर लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उधर महाराष्ट्र में AIMIM मुसलमानों को एकजुट रहने की दुहाई दे रही है, हम सुनाएंगे आपको उनके नेता की बात। इस बीच यूपी के सीएम योगी ने बात आगे बढ़ा दी है और बिना नाम लिए विपक्ष में रावण और दुर्योधन का DNA बता दिया है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट। एक है सेफ है, मौका लौ पुरुष की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस का था। प्रधानमंत्री मोदी ने बातें भी एकता की ही की, लेकिन सबको समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे और उनका संदेश क्या था। हम जुड़ने की बात कर रहे हैं, वो कटने की बात कर रहे हैं, वो रावण की बात कर रहे हैं, वो नकारात्मक बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सकारात्मक बात कर रही है। हमने हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की है। PDA जुड़ेगा, PDA हराएगा और समाजवादी पार्टी समझती, यही वो नारे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। देश में बहुत तेजी के साथ एक साजिशी सिंडिकेट सक्रिय है और ये साजिशी सिंडिकेट कहीं से सुपारी लेता है और कहीं पर जो है वो सरौता चलाता है। तो उनकी सुपारी और सरौता भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी की और इस सरकार की और इस समय की जो सोच है और शक्ति है उससे कुंद पड़ गया है। बटेंगे तो कटेंगे का सियासी दायरा लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी इस बयान को अलग अलग सांचे में ढालकर परोस रही है तो विपक्ष इसकी काट ढूंढने में परेशान है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर के जवाब में समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नया नारा दिया है। बीजेपी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, तो अब उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने एक नया नारा दिया है और वो नारा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये अखिलेश यादव के आवास के ठीक बगल में ये पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर के बहाने अखिलेश शायद बीजेपी को नकारात्मक राजनीति के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे ये सकारात्मक बात है और समाजवादी पार्टी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार सबको जोड़ रहे हैं और खास तौर से जो PDA समाज है। समाजवादी पार्टी वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके केवल पोस्टर लगा करके चुनाव में जाती है। भारतीय जनता पार्टी जन जन के बीच में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बढ़ा है। हम 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ आए। बात अब सिर्फ नारों की नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया बयान चर्चा में है। उन्होंने जातियों में बांटने वालों को रावण दुर्योधन के DNA वाला बताया है। जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है बताया है। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व इनमें रावण और दुर्योधन का ही DNA इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। योगी के बयान ने समाजवादी पार्टी की एक बार फिर चुनौती बढ़ा दी है। राम भक्त होना, राष्ट्र भक्त होना, इसे कोई बुरी बात नहीं है। स्वाभाविक है जो भगवान राम का भक्त होगा वो राष्ट्रभक्त भी होगा और जो राष्ट्र का भक्त होगा वो राम भक्त होगा। लेकिन राम का भक्त वो नहीं हो सकता जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाए। वो आदमी राम भक्त कैसे हो सकता जो कहे कि कटोगे तो बटोगे। ये आप विपक्ष में बैठ करके चिल्लाएं, पोस्टर लगावें, पूरा लखनऊ में लगावें, चाहे सैफई में लगावें, चाहे इटावा कन्नौज, चाहे जहां, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अब जब आपने सबको धोखा दिया तो विश्वास कैसे आपका कोई करेगा। उधर महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी नबी के नाम पर मुसलमानों से एकजुट होने की नसीहत दे रही है। आप सोचिएगा कि ये सही मानों में मुसलमान है क्या जो उनके साथ आज के दिन बैठे हुए हैं। ये सवाल खुला है, उनको नाराजगी होगी मेरे। ये
लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी सियासत बड़ी है या तुम्हारे लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बटेंगे तो कटेंगे की गूंज उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक भले ही सुनाई दे रही है, लेकिन बड़ा असर उत्तर प्रदेश में दिख सकता है। 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे बहुत हद तक 2027 की तस्वीर साफ करेंगे। आज तक ब्यूरो।